फॉर्मूला, और साथ में फॉर्मूले में हम डिस्कस करेंगे इस तरह से डेटा समराइजेशन का यूज करते हैं, मतलब जो पिवट टेबल से जो समरी निकलती है उस पिवट टेबल की समरी को कैसे यूज करेंगे एक्सेल के अंदर में, ये हमारा आज का टॉपिक है। सर सॉरी, रिकॉर्डिंग को परमिशन देंगे प्लीज। ओके, मैं रिकॉर्डिंग की परमिशन देना भूल गया, माफ कीजिएगा, गप मारने के चक्कर में मैंने सबको रिकॉर्डिंग की परमिशन दे दी है। और आज की जो फॉर्मूले हैं समीर का थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि वी लुकअप के बाद इसी का नंबर आता है, माने कि इंपॉर्टेंट तो सब फॉर्मूला है बट यूज के हिसाब से कि बहुत ज्यादा यूज होने वाली आते हैं। जैसे कि मान लीजिए समीर का फॉर्मूला क्यों यूज होगा बताया था आपको, कहां भी यूज होगा। मान लीजिए आपने पिवट टेबल लगाया, पिवट टेबल में मान लीजिए आपने नेम बाइट, यहाँ पे नेम बाइट, यहाँ पे मैंने काउंट ले लिया, इसका सम ले लिया, ये डेटा आ गया, ये पिवट टेबल के थ्रू है। लेकिन अगर सेम इंफॉर्मेशन मुझे फॉर्मूले के थ्रू चाहिए कि मैंने यहाँ पे नेम रख दिया और मुझे यहाँ पे टोटल लॉग काउंट चाहिए, यहाँ फॉर्मूले से क्यों चाहिए ये चीज भी जान लीजिए। ऐसा चीज चाहिए कि पिवट अपडेट नहीं होता है, इसको रिफ्रेश करना पड़ता है। दूसरी चीज, बहुत सारे ऐसे कैलकुलेशन है जो पिवट टेबल के साथ नहीं होती है, सो मैं इसको सेम चीज फॉर्मूले के थ्रू करना चाहता हूं कि मेरी समरी फॉर्मूले से बन जाए, तो उसके लिए हम सम इफ का इस्तेमाल करेंगे। तो मैं इसको यहां कॉपी करता हूं सामने में ताकि दिखेगा आपको क्या कर रहा हूं। तो मतलब कि मुझे चाहिए, देखिए सम विद कंडीशन, अगर नॉर्मली आप जो सम करते हैं वो क्या करता है कि इसमें से पूरा सम निकाल कर दे देता है आपको, लेकिन मुझे इसमें का सम चाहिए बट कंडीशन है कि नेम पूरा होनी चाहिए, तो सेम विद सम विद कंडीशन, तो मैं यहां पे इक्वल सम इफ, सम इफ में हम देते हैं रेंज कि मुझे सम किसका करना है, तो मुझे सम करना है इसका एच कॉलम का। फिर यहां पे आता है क्राइटेरिया कि पहली क्राइटेरिया क्या है, माफ कीजिए गलती कर दिया हमने आपको, यहाँ पे सम इफ्स बताने लगा आपको, सम इफ होता है रेंज, मतलब कि आपको मैच किस में करना है, फिर क्या मैच करना है और सम किसको करना है। मैं दोबारा दिखाता हूं, मैंने यहाँ पे सम इफ लगाया और हमने दिया रेंज कि आपको मैच किस में करना है, और हमने यहाँ पे दिया क्या मैच करना है, कंडीशन क्राइटेरिया और किसको सम करना है, ये आपका सम हो गया जैसे आपका पिवट टेबल में आया। और जैसे कोई चेंजिंग होती है एंटर मारते ये अपने आप को अपडेट कर लेता है, तो इसका यूज हम करते हैं सम इफ का। लेकिन सम इफ आप लोगों को दिख रहा होगा सिंपल है, लेकिन इसमें भी और भी बहुत सारी चीजें हैं, देख लीजिए। जैसे कि मुझे यहां पे ये दिखना है कि ग्रेटर देन थ्री वाले कितना टोटल सम है, मतलब कि मुझे क्या है कि तीन से ज्यादा वालों पे 10% का, मतलब कि तीन से ज्यादा जो आए हैं उस पे 500 का मल्टीप्लाई करना है, मतलब कि ऐसा दिया गया है कि अगर तीन से ज्यादा लॉगिंग करते हैं एक क्लास में तो जो जिन्होंने लॉगिंग करवाया है जो हमारे वेंडर है उसको 500 रुपया हम एक्स्ट्रा देंगे, तो टोटल कितना अमाउंट हमें देना पड़ेगा वेंडर को, तो मुझे जस्ट चाहिए कि ग्रेटर देन थ्री वाले कितने हैं। तो यहां पे हम देंगे सम इफ और मुझे रेंज में कहा है इसमें, इसमें मुझे मैच क्या करना है ग्रेटर देन थ्री, और हम यहां पे एंटर कर दिया, तो इसने ग्रेटर देन थ्री वाले जितने भी नंबर्स हैं सबको यहां पे सम कर दिया। अब यहां ये देखिएगा कि ऊपर हमने जो फॉर्मूला लगाया तो हमने इसमें तीन इनपुट दिया है, तीन इनपुट दिया है ना, हमने दिया यहां पे रेंज क्राइटेरिया एंड सम रेंज, रेंज क्राइटेरिया एंड सम रेंज। ठीक है, बट इसमें हमने सिर्फ दो ही कंडीशन दिया, क्यों, क्योंकि इसमें हमारा सम रेंज और क्राइटेरिया रेंज दोनों एक ही है, सम रेंज एंड क्राइटेरिया रेंज एक ही है इसलिए। तो इसी तरह से यहां पे आप ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू अप्लाई कर सकते।
प्रॉब्लम ये है कि मुझे यहाँ पे लिखना पड़ रहा है। मान लीजिए कि मेरे पास कुछ इस तरह से नंबर के टू वाले कितने हैं, तीन से ज्यादा वाले कितने हैं, फाइव से ज्यादा वाले कितने हैं, सम करना है। तो क्या मुझे समिफ में यहाँ पे समी ग्रेटर देन का सिंबल लगाना पड़ेगा? ऐसा करना पड़ा तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि अभी तो चलो तीन है लेकिन कुछ ऐसे डेटा होंगे जहाँ 300-400 ऐसे नंबर होंगे जिसका सम निकालना होगा मुझे। जी जरूरी नहीं है, हम फॉर्मूले में इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? सम इफ हमने रेंज को सेलेक्ट किया और क्राइटेरिया में हमने इन्वर्टेड कॉमा में ग्रेटर देन या ग्रेटर देन इक्वल टू जो देना चाहे कर लीजिए, और यहाँ पे एन परसेंट हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, एंटर किया, ये रिजल्ट आपके सामने। ओके, कर सकते हैं आप। दूसरा, मान लीजिए कि हमारे पास जो यहाँ पे जो सिटी है तो इसमें सिटी के हिसाब से, लेकिन कुछ और लोग आउट ऑफ इंडिया से भी ज्वाइन किए हैं, तो यहाँ पे आउट ऑफ इंडिया के लिए हम यहाँ पे सिर्फ आउट लिखे हुए, या हो सकता है उस कंट्री का हमने कुछ कोड दिया हुआ, जैसे इंडिया का IN है, या फिर मान लीजिए इसका ऑस्ट्रेलिया का AS है, USA का जो है US है, UK के लिए UK है, इस तरह से कुछ कोड दिया गया है। तो बाकी सिटी जो है वो तो सिटी नेम दिया हुआ है, लेकिन आउट ऑफ इंडिया के जो कंट्रीज हैं उसमें उनके कंट्री के दो डिजिट का कोड दिया हुआ है। तो मुझे पता करना है कि आउट ऑफ इंडिया वाले कितने, आउट ऑफ इंडिया वाले की कितनी लॉगिंग हुई है, मतलब कि मुझे यहां पर यह सम करना है कि जिसका दो करेक्टर है उसका सम निकाल। वो कैसे करेंगे? तो यहां पे जस्ट क्वेश्चन मार्क दो बार डाल दीजिए और इक्वल टू आप सम इफ दे दीजिए। सम इफ हमने यहां पे क्राइटेरिया रेंज दे दिया और इसमें 10 दो क्वेश्चन मार्क को सेलेक्ट किया और हमने यहाँ पे लॉग फॉर्म कर दिया। यहाँ पे ये तो हो गया, और दूसरी चीज यहाँ पे ये भी हो सकती है। ये क्वेश्चन मार्क का मतलब समझ नहीं आया, क्वेश्चन मार्क करेक्टर दो, एनी करेक्टर। ओके, समझे? ओके, कुछ भी दो करेक्टर। ओके सर, पर दो होने चाहिए, दो से कम ना ज्यादा। ओके, अगर मुझे थ्री कैरेक्टर्स का हुआ तो थ्री क्वेश्चन मार्क। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे पूजा ही है, तो कहीं के भी यहाँ पे पूजा सिंह है, तो पूजा सिंह के करेंगे तो देखिए पूजा सिंह का हट जाता है, यहाँ पे नहीं बढ़ नहीं रहा है ना यहाँ पे, तो कहीं पे पूजा है और कहीं पे पूजा सिंह। तो अगर पूजा का करूं तो पूजा सिंह का नहीं आएगा, और पूजा सिंह करूं तो पूजा का नहीं है। मैं चाहता हूं कि दोनों का है, जैसे वीलुकअप में हमने किया था कि हम दोनों तरफ स्टार लगा देंगे तो यहां पे आपका, मतलब कि अगर मैं यहां पे स्टार पूजा स्टार किया तो यह कंटेन हो गया, अगर मैंने यहां पे स्टार और सिर्फ पूजा लिखा तो यह हो गया एंड विद, और अगर हमने पूजा लिखा और यहाँ पे स्टार लगा दिया तो हो गया स्टार्ट विद, समझे? तो आप लोग, मुझे यहां नहीं लगाना है, मुझे फॉर्मूले के अंदर ही लगाना है, तो फॉर्मूले के अंदर भी हम लगा सकते हैं, यहां इन्वर्टेड कॉमा में हम दे देंगे स्टार, यहां भी स्टार, लेकिन इसके साथ हमें कॉनकैटेनेट करना है। मान लीजिए मुझे तीन डिजिट से जमा, मतलब इंडिया के अलावा मुझे जैसे कि इंडियन सिटी चाहिए, मतलब कि फॉरेन से बाहर वाला चाहिए, मतलब दो डिजिट से ज्यादा वाले को सम करना है मुझे, तो दो डिजिट मतलब मुझे पता है कि इंडियन है, तो दो डिजिट से ज्यादा वाले को करना है, तो कैसे करें?
उसके लिए आप यहां पे कुछ नहीं, क्वेश्चन मार्क के साथ स्टार लगा दो। देखिए तो दो डिजिट वाले को भी सम कर दिया, तो तीन क्वेश्चन मार्क लगाओ और स्टार लगा दो, तो दो क्वेश्चन वाले जो थे वो इसमें से इग्नोर कर देगा। ठीक है, क्लियर है, किसी को डाउट इसमें सर? नवीन जी, नवीन जी एंड नवीन जी, मैं नवीन सिन्हा और नवीन जी एंड दो लोग है ना सर, इसलिए नहीं सर। अब यहां पे बात आती है कि दो कंडीशन हुए, तो जैसे मुझे नीरज का सेल करना है जो कि दिल्ली में है, सम इफ हमेशा एक कंडीशन को ही लेती है, सम इफ जो है सिर्फ एक कंडीशन ही लेता है, मल्टीपल कंडीशन हुआ तो नहीं लेगा ये। मल्टीपल कंडीशन के लिए हमें सम इफ्स का इस्तेमाल करना होगा, सम इफ्स। अब इसमें देना होता सम, शुरुआत में मैंने सम इफ्स समझ के सम इफ लगा रहा था, तो यहां पे आपको देना होगा सम रेंज, सम रेंज कॉमा, पहली क्राइटेरिया कौन सी है हमने बोला नेम, दूसरी क्राइटेरिया क्या है तो नीरज, दूसरी क्राइटेरिया सिटी, और यहाँ पे सिटी है दिल्ली, ऐसे तीसरी चौथी पांचवी आप दे सकते हैं। और सम इफ्स में भी ये सारे कंडीशन जो हमने सम इफ में लगाया है वो लगा सकते हैं। तो सम इफ लगाने का तरीका क्या है मैं एक बार और बता देता हूं, तीन कंडीशन के साथ कि मुझे ओम जयपुर बीबीए का चाहिए, तो तीन कंडीशन के साथ हम यहाँ पे सम इफ एक बार और लगाता हूं, ध्यान से देखिएगा, इक्वल सम इफ, यहाँ पे सम इफ्स, सम इफ्स में हमने दिया सम रेंज, फिर सिलेक्ट किया क्राइटेरिया वन रेंज की, पहली क्राइटेरिया क्या है, तो पहली इसमें ए है जो हमने कंडीशन को सिलेक्ट किया, दूसरी क्राइटेरिया हम लोग ए है, तीसरी हम इसको सिलेक्ट किया, तीसरी क्राइटेरिया हम लोग ए है, इसमें हमने तीसरी क्राइटेरिया को सिलेक्ट कर लिया और हमने इसको एंटर किया। ओके, क्लियर है? ये ऊपर के जितने भी कंडीशंस है ना, ग्रेटर देन लेस देन, ये चीज आप एक बार इसको लगा के देख लीजिएगा अपने हिसाब से। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। सम्मिट में लिमिट है क्या सर, कंडीशंस n नंबर ऑफ कंडीशंस डाल सकते हैं तो ऐसा लिमिटेड है 256 ओके बहुत होता है सर। ओके ओके अब आगे बढ़ते हैं, सम इफ के बाद हमारे पास काउंट के फॉर्मूले हैं, तो काउंट के पहले फॉर्मूले समझ लीजिए, कुछ फॉर्मूले काउंट के भी है अलग से, जैसे कि आपका पहला फॉर्मूला है काउंट जो कि सिर्फ नंबर को काउंट करता है, टेक्स्ट को काउंट नहीं करेगा, ये हेडिंग को काउंट नहीं किया इसने। ठीक है, तो मान लीजिए मैं इस पे टेक्स्ट लिख देता हूं, देखिए यहां पे कम जाएगा, यहां पे आता है हमारे पास काउंट ए जो कि नंबर एंड काउंट दोनों को काउंट करता है, नंबर और टेक्स्ट दोनों को काउंट करता है। फिर आपके पास आता है यहां पे काउंट ब्लैंक जो कि सिर्फ ब्लैंक को काउंट करता है कि सिलेक्टेड एरिया में कितने ब्लैंक है, वो वन ब्लैंक को काउंट करेंगे। तो यहां पे आपके पास काउंट के काउंट ए काउंट 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 ए काउंट ब्लैंक तीन फॉर्मूले जो कि फिक्स में है। अब कंडीशन आप अपने हिसाब से देना है, तो आपके काउंट इफ मल्टीपल के लिए काउंट इफ्स है, चलिए इसको लगा के देखते हैं। यहां पे हमने लिया काउंट इफ, हमें पता करना है पूजा कितना बार रिपीट है, इसको इससे पहले भी हमने बताया था आपको। उसके बाद मान लीजिए ग्रेटर देन थ्री वाले कितने हैं, तो इस तरह के ग्रेटर देन लेस देन भी आप अपने काउंट इफ में इस्तेमाल कर सकते हो, एक काउंट इफ, और हमने बोला कि इसमें ग्रेटर देन थ्री कितने हैं, जैसे हमने सम इफ में किया है वो सब हम कर सकते हैं, यहाँ पे ये सारे कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। मल्टीपल कंडीशन हो तो हम यूज करेंगे काउंट इफ्स आईएफएस, काउंट आईएफएस इफ्स, इसमें हमारा क्राइटेरिया वन
हमने बोला कि नेम इसमें से क्या होना चाहिए, तो हमने बोला नीडल. क्राइटेरिया टू इसमें क्या होना चाहिए, तो डैली. ऐसे 3, 4, 5 कर सकते हैं. अकाउंट में बता देगा कि कितना बढ़ाया है. मल्टीपल कंडीशन है तो मल्टीपल कंडीशन भी दे सकते हैं काउंटिंग में. ओके, तो काउंट इफ समझ में आ गया. हॉरिजॉन्टल नहीं हो सकता? हाँ, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों वर्क करता है, सामिप भी करता है. ओके, ठीक है, सामिप भी करता है सर. जिससे मान लीजिए करके दिखा देता हूँ, कंफ्यूजन क्यों रखेंगे, क्योंकि मेरी क्लास में कंफ्यूजन अलाउ नहीं है. थैंक यू सर. एक है ना सर, एक प्रचार आता है किसी सीमेंट का, जंग की नो एंट्री. ठीक है, वैसे हमारे क्लासेस में कंफ्यूजन की नो एंट्री. राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल ट्रांसपोज. मान लीजिए मुझे इसमें मोहन को सम करना है, मोहन का टोटल चाहिए. यहाँ पे सम क्राइटेरिया रेंज कौन सा है, नेम का ये रहा. क्राइटेरिया क्या है तो मोहन. सम क्या करना है तो हमने बोला हमें सम करना है इसमें लॉग ऑन को. क्या ठीक है? थैंक यू सर. ऐसे मुझे काउंट इफ लगाने हैं तो काउंट इफ भी लगा सकता हूं कि क्राइटेरिया और ये आपका आ गया दो है. ऐसे आपको मान लीजिए कि मल्टीपल कंडीशन चाहिए तो सम इफ्स या काउंट इफ्स भी लगा सकते हैं. मैं नेम में जाइए, यहाँ पे नेम होगा पूजा, और उसके बाद हमने बोला सिटी में आइए, और सिटी होगा यहाँ पे दिल्ली. लेकिन हम किसका करना है तो सम करना है इसका, लो काउंट. ठीक है, तो है नहीं तो मैं एक बार पूजा, नीरज है पूजा, पूजा में यहाँ पे क्या है, नहीं, मैं यहाँ दिल्ली कर देता हूँ. ठीक है, समझ गया. लेकिन हाँ दिक्कत रहिएगा, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल नहीं होता कि मुझे यहाँ से भी मेरा एक यहाँ चेक कर ले और एक यहाँ चेक कर ले, ऐसे नहीं करेगा सर. है तो हॉरिजॉन्टल करेगा या वर्टिकल करेगा. ओके ओके, मेरे पास काउंट के बाद अगला फॉर्मूला आता है एवरेज का. एवरेज का फॉर्मूला, जैसे मान लीजिए कि मुझे एवरेज निकालना. एवरेज क्या होता है, मुझे यहाँ पे एवरेज निकालना है कि टोटल एवरेज क्या है, तो यहाँ पे एवरेज यूज कर लेते हैं एवरेज, और इसको सिलेक्ट कर लिया. तो इसमें इसने ब्लैंक को कंसीडर नहीं किया, ब्लैंक की जगह ट्रू आया उसको भी कंसीडर नहीं किया, समझ गए. और यहां पे अगर हम बात करते हैं, यहां पे काउंट ए, काउंट सॉरी एवरेज ए, एवरेज ऑल, हमने इसको सिलेक्ट कर लिया तो ए जीरो को कंसीडर तो नहीं करेगा. ठीक है, और ये आपको ट्रू को कंसीडर करेगा. अभी कैसे पता चलेगा बताता हूं आपको. चाहिए मैंने डेसिमल प्लेसेस को यहां पे ले लिया, ब्लैंक के फॉर्म में ले लिया. अब इसको कॉपी करता हूं और यहां पे पेस्ट कर देता हूं. माफ कीजिएगा इसको, ये तो अगला एग्जांपल है यहां पे 10. तो इसका एवरेज तो 10 होना चाहिए ना. क्या हम इसका एवरेज निकाल, यहां पे इसका एवरेज निकालता हूं तो एवरेज निकालता हूं तो एवरेज 10 होना चाहिए. ये 10 दिखाएगा. अगर मैं कहीं डिलीट करता हूं फिर भी 10 दिखाएगा. अगर मैं इसमें ट्रू लिख दूं फिर भी 10 दिखाएगा. लेकिन यही मैं एवरेज ए लेता हूं तो क्या होगा, ये आपको 10 नहीं दिखाएगा, ये 9.1 दिखाएगा. क्यों? क्योंकि इसने ट्रू को 1 समझ लिया है और इसने बोला कि 91 divided by 10. इसका ध्यान रखिएगा, कहीं ट्रू फॉल्स का चक्कर हुआ तो.
देखिए मुझे कंडीशन वाइज चाहिए कि मुझे चाहिए कि भाई पूजा का एवरेज लॉगिंग काउंट क्या है, तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा एवरेज इफ का फॉर्मूला, एवरेज विद कंडीशन, बिल्कुल सम इफ की तरह कि मैं यहाँ पे रेंज दूंगा, क्राइटेरिया दूंगा और यहाँ पे सम रेंज दूंगा, ठीक है। अगर एवरेज में भी ये सारी चीजें अप्लाई कर सकते हैं, मल्टीपल कंडीशन हुआ तो यहां पे आप एवरेज इफ्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, इफ्स इसमें आप दे दिए कि आपका जो एवरेज रेंज को किसका निकालना है तो इसका निकालना है। क्राइटेरिया पहला कौन सा है, तो पहली क्राइटेरिया यहां मान लीजिए कि हमारा नेम है और यहाँ पे हो गया, फिर सिटी है हम यहाँ सिटी को सिलेक्ट कर लिए, फिर प्रोडक्ट है हम प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लिए। ओके इसमें कुछ दिक्कत हो गई है, तो ये हमारा एवरेज निकल गया। ये आपकी एवरेज ही बहुत सम की क्लासेस थी, आप लोग इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। तो कल इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको हम सॉल्व करवाएंगे। एक क्वेश्चन है सर, पूछिए। जैसे कि मैं पूजा नाम का क्रेडिट ले रहा हूँ, पूजा नाम का, तो ऐसा नहीं कि मुझे सीटी पहले, इसका कोई सीक्वेंस नहीं है राइट, मैं पहले सीक्वेंस नहीं है, बस इसमें सम इफ्स अगर लेते हैं ना, सम इफ्स के लेते हैं तो इसमें सीक्वेंस है कि आपको सम रेंज पहले डालना है, उसके बाद जो डालना डाल लीजिए। ओके दैट्स गुड, ओके सर, उसके बाद कुछ भी क्राइटेरिया डाल सकते हो, उसका सीक्वेंस नहीं हो कि आगे हो या पीछे हो। ओके तो मिलते हैं अगली क्लास में। यस गुड नाइट सर। ओके बाय, गुड नाइट। ओके।